अगर वो मुझसे प्यार करता ना तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाता। एंड प्लीज मुझे लंदन वंदन कहीं नहीं जाना, और ये बात दोबारा कभी मत करना। सुना तुम लोगों ने? तुम लोग जाओ, थोड़े टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यही हूं जयपुर में, क्योंकि जानने के लिए कि तू खुश है या नहीं, मेरा यहां रहना जरूरी है निशा। तेरी खुशी से बढ़कर मेरी अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। खुद खोल के देखिए। तेरे साथ गुजारा एक एक पल मुझे याद है निशा। मैं बस तुझे खुश देखना चाहता हूं हमेशा। London School of Dance? Cancelled? लेकिन जोजो ने तो अपना एडमिशन दोबारा करवाया था। This is just not possible. Yeah, hi. I'm Vasundhara Kumar. I'm calling on behalf of Mr. Kabir Kumar from India. Yes, tell me. Yeah, I've just received a letter that says Mr. Kabir Kumar's admission has been cancelled. Let me check, please. Please. Yes, Mr. Kabir Kumar's admission has been cancelled. His name is not on the final list. But that's not possible. उसने तो अपना एडमिशन दोबारा I'm sorry, I mean, didn't he renew his admission? No. कबीर ने अपना एडमिशन रिन्यू नहीं करवाया? क्यों? क्यों नहीं करवाया? इसका मतलब है कि कबीर लंदन में नहीं है। अगर लंदन में नहीं है इसका मतलब वो यहीं जयपुर में है। लेकिन कहाँ? गोल्डन रिट्रीट होटल। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा। गोल्डन रिट्रीट जयपुर।
कबीर ने हमसे झूठ बोला, झूठ बोला हमसे, क्यों? इस लड़की निशा की वजह से, इसका मतलब है कबीर तुम अभी इससे प्यार करते हो, अभी इससे प्यार करते हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम कबीर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तुम इन गंगवाल्स को जानते नहीं, ये लड़की निशा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तुम्हें दुख और परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती कबीर, why don't you understand? उसके पाप ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दी और अब ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती, लेकिन नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे ऐसा। हम ऐसी चाल चलेंगे, इस लड़की को मिलना तो दूर, इसे मिलने का ख्याल तक तुम्हारे दिल में नहीं आएगा। You just wait and watch. हम बोल रहे हैं वसुंधरा, हमारी बात ध्यान से सुनो। जो होना था वो हो गया, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी किसी के वजह से जिंदगी थोड़ी ना रुक जाती है, मेरी भी नहीं रुकेगी। हाँ बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाए। चल नाश्ता कर ले। नहीं माँ, भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है, कल से कुछ भी नहीं खाया, जिद के मारे अपने कमरे में किसी को घुसने भी नहीं दिया। टेंशन लेके कोई फायदा हुआ नहीं ना, जो होना था वो हो गया। निशु ऐसी बातें मत कर, वो देखना कबीर जरूर। प्लीज उसका नाम भी मत लेना, उससे नफरत करती हूँ मैं, उसकी हर बात से। आई जस्ट हेट हिम। झूठ बोल रही है तू, मुझसे भी और खुद को भी। मैंने कहा ना कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं स्माइल भी कर रही हूँ। और नाश्ता ना ये और ये भी पी ले, ओके? I'm perfect now. आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्कूल ड्रॉप करूँ। चलो ग्यारह। तुम मेरे बारे में चिंता मत कर, मैं खुद चली जाऊंगी। माँ मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको ड्रॉप करूंगी, आप चलिए मेरे साथ। पापा समझाए ना अपनी वाइफ को, मेरे साथ स्कूल नहीं आ रही। चेक कर चुका। थैंक गॉड। चलो गुड। अच्छा सौरभ वो बीकानेर वाला गली तू ठीक तो है? गली क्या हो रहा है तुझे? गली गली ठीक है ना तू? हाँ पक्का? हाँ मैं ठीक हूँ। गली गली ध्यान से, तू एक काम कर, आराम से बैठ, रुक पीछे हो क्या, आराम से टेक लगा के बैठ, आराम से बैठ। अरे कितना पसीना आ रहा है तुझे? एक सेकंड से सांस नहीं लीजिए। तू आराम से सांस ले, धीरे धीरे सांस ले, लंबी सांस ले। क्या हो रहा है?
एक सेकंड। जब प्रेग्नेंट लेडी को खांसी उठे और चक्कर आए तो उसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। विमला ताई जी को बोलता हूँ। सौरभ, मैं ठीक हूँ सौरभ। मैं सिर्फ मैं जाकर थोड़ा रेस्ट करती हूँ। डॉली, तू आराम से बैठ, मैं एक सेकंड ताई जी को बुला के लाता हूँ। सौरभ, घर पे कोई नहीं है सौरभ। तू एक काम कर, खड़ी हो, खड़ी हो डॉली, डॉक्टर के पास चलना। उठ उठ सौरभ, उठ, चल चल मेरे साथ। डॉली एक रुक रुक एक सौरभ, ये तू डॉली चिंता मत कर, अभी डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सौरभ, क्या हुआ डॉली को? मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, विमला ताई जी आए तो बता देना उनको। थैंक यू सो मच, हम बाद में फोन करेंगे आपको। जी, जो जो होटल में नहीं है तो फिर कहाँ चला गया वो? Oh my God, कैसे ढूंढे हम उसे? What do I do? इतना तो हम जानते हैं कि वो जयपुर में है, लेकिन जयपुर में कहाँ? I'm sure वो निशा को मिलने जरूर जाएगा। क्या करें हम, क्या करें? God. आप क्या चाहती हो वसुंधरा? सब कुछ तो छीन चुकी हो तुम। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? तुम तो जानते हो हमने कबीर को रोकने की कितनी कोशिश की, फिर भी वो चला गया। अब इसमें हमारा क्या कसूर है रमेश? अब इसका भी इल्जाम तुम हम पर लगाओगे? खैर, उन दोनों के जुदा होने से हमें बहुत अफसोस है। तुम यकीन नहीं मानोगे रमेश, कि हम तो रोज उन दोनों को याद कर करके कितने आंसू बहाते हैं। खुशी के आंसू है ना? आखिर यही तो चाहती थी तुम। खैर, अब मेहरबानी करके निशा को उसके हाल पे छोड़ दो प्लीज, और मुझे या उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय रमेश, प्लीज फोन कट मत करना। क्या है? निशा के लिए कबीर का मैसेज है मेरे पास। कबीर का मैसेज? क्या बोला उसने? वो तो हम सिर्फ निशा को बता सकते हैं। तो तुम एक काम करना, निशा को फोन दे, या फिर उसे कहना हमसे बात कर ले। वैसे है कहाँ वो? वो दरअसल लक्ष्मी को स्कूल छोड़ने गई। मैं अभी उसको फोन करके बताता हूँ। वैसे कबीर ने बोला क्या, मुझे बताओ ना। हेलो, हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्या हुआ? टायर पंचर है। आप एक काम कीजिए, आप 2 मिनट अंदर बैठिए, मैं स्टेपनी चेंज करती हूँ। जल्दी करना। कैसे तो लग रहा है कबीर कि तुम मेरा
रही है तो प्लीज प्लीज मेरे सामने आओ। एक बार इशारा करते, एक हिंट देते कि तू भी मुझसे। ठीक है, तू भले ही कोई हिंट ना दे, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात तुझसे कहकर ही रहूंगा। सब बता दूंगा तुझे हमेशा, बोल दूंगा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, कह दूंगा कि तेरे से बढ़ के मेरे लिए दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।